गढ़वा जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भवनाथपुर और डंडई के मध्य खेला गया। इससे पूर्व मैच का विधिवत उद्घाटन गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जियाउल अंसारी के द्वारा किया गया था। गढ़वा जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह रजिस्टर्ड प्रतियोगिता किया जा रहा है। यह केवल इस वर्ष ही नहीं अपितु हर वर्ष आयोजित की जाएगी, ताकि ऐसे आयोजनों से ही जिले के खिलाड़ियों की प्रतिभा उनके अंदर से बाहर आए और वो खुलकर खेल सके। आपको ज्ञात हो कि इसी प्रतियोगिता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों का जिला टीम में गठन किया जाएगा, ताकि उसी आधार पर चयनित खिलाड़ी गढ़वा की टीम की ओर से झारखंड राज्य फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। गढ़वा जिला फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ कल से शुरू हुआ है और यह बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा हो रहा है, जिसके अध्यक्ष आलोक मिश्रा जी हैं फुटबॉल एसोसिएशन के। आज यह खेल लुप्त होता नजर आ रहा था, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो शारीरिक आर्थिक सबका विकास करता है, और आलोक मिश्रा जी ने अध्यक्ष बनने के साथ साथ गढ़वा में स्वतंत्रता सेनानी कौशल कुमार ठाकुर जी के नाम पर आज फुटबॉल का जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, यह काफ़ी सराहनीय है और इससे फुटबॉल खेल में ताजगी आएगा। लोगों का जो रुझान फुटबॉल से भटकता जा रहा था वह पुनः वापस आता हुआ नजर आ रहा है। स्टेडियम भरा पड़ा है और फुटबॉल सच माने तो फुटबॉल हमें भी अच्छा देखने में लगता है। फुटबॉल अगर हम देखने बैठते हैं तो दिन गुजर जाता है, फुटबॉल छेड़ के उठने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन क्रिकेट आने के बाद फुटबॉल को लोग समाप्त की नजर आता, लेकिन आलोक मिश्रा जी के प्रयास से गढ़वा जिला में फुटबॉल का रफ्तार तेजी से बढ़ेगा और उसमें माननीय मंत्री जी का भी योगदान है। उनके पिताजी के नाम पर यह प्रतियोगिता हो रहा है और माननीय मंत्री जी भी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और इसमें टूर्नामेंट में वह हर समय प्रयास करेंगे।